भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 का मंगलवार को ऐलान हुआ। इस बार यह सम्मान एस्ट्रोनॉमी में बेहतर काम के लिए कनाडा, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के तीन महान वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने पुरस्कार का ऐलान मंगलवार के दिन किया। मंगलवार 8 अक्टूबर 2019 को ये तीनों वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स ये अमेरिका से हैं, माइकल मेयर स्विट्जरलैंड से हैं, डीडियर क्लीवलोज ये स्विट्जरलैंड से हैं। इन तीनों को ही संयुक्त रूप से ये सम्मान दिया गया है। इन्होंने बिग बैंग से ब्रह्मांड के विकसित होने की खोज की थी और इन तीनों में ही जेम्स पीबल्स को ये पुरस्कार की आधी राशि दी जाएगी और माइकल मेयर और डीडियर क्लीवलेज को संयुक्त रूप से आधी राशि दी जाएगी। इन्होंने सौर मंडल के बाहर पहले बड़े ग्रह की खोज भी की थी, इसलिए ये राशि ये पुरस्कार इनके लिए दिया गया है।